मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है लीनियर इनक्वालिटी। लीनियर इनक्वालिटी क्या है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी क्या है। जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे कि 3 और 7, मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं, अगर इन दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो 3 है वो 7 से लेसर है, और अगर 7 को कंपेयर करेंगे 3 से तो हम बोलेंगे 7 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन मैथमेटिक्स ने हमें दो सिंबल दिए हैं या दो साइन दिए हैं जिससे हम इन दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहां पे इस सिंबल के लिए हम बोलेंगे 3 इज लेस देन 7, और यहां बोलेंगे 7 इज ग्रेटर देन 3। तो ये हमारे पास कौन सी इनक्वालिटी है, इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। When two numbers are compared, if two numbers are compared, then we can say it is numerical inequality. इसके बाद है हमारे पास literal inequality. Literal inequality कब use होती है, जब हम किसी variable को, या ये कह सकते हैं किसी linear पॉलोमियल को कंपेयर करते हैं किसी नंबर के साथ या अदर पॉलोमियल के साथ, तो वहां हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होगा, लिटरल इनइक्वालिटी। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, जो ये यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन एक्स के अंदर है। एक चीज हम यहाँ और डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन क्या है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी अदर पॉलिनोमियल के साथ इक्वेट करें, मींस दो पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x + y, दूसरी पॉलिनोमियल है 3x + 5y + 7। अगर दो पॉलिनोमियल्स को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या करती है कि जब हम दो पॉलिनोमियल्स के बीच में ग्रेटर का साइन लगाते हैं या फिर लेस देन का साइन लगाती है, तो यहां हमारे पास क्या आ जाती है, इनइक्वालिटी। तो ये हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन किसको कहते हैं, इनइक्वालिटी किसको कहते हैं। लिटरल इनइक्वालिटी के बाद हमारे पास आती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कब यूज होगी, जब हम कहते हैं कि 5x + y इज ग्रेटर देन 7, और या फिर 3x + 2y इज लेस देन 8। मींस यहां पे हम सिर्फ यही बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ग्रेटर देन 7 है, और ये पॉलिनोमियल क्या है, लेस देन 8 है। यहां पे ये पॉलिनोमियल 8 से सिर्फ लेसर होगी, इक्वल नहीं होगी। मींस जहां पे इक्वल का साइन नहीं है वहां बोलते हैं दिस इनक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी। इसके बाद है हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी। अब स्लैक इनइक्वालिटी का क्या यूज है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल के साथ इस तरह से कंपेयर करते हैं कि ग्रेटर साइन के साथ साथ हमें नीचे इक्वल का साइन भी मिले, मींस इसको हम बोलेंगे 5x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। मीन्स यहां पे ये क्या है, 5x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। मीन्स जहां पे हमारे पास ग्रेटर और लेस देन के साथ हमारे पास और की फॉर्म में क्या है, इक्वल टू। मीन्स दोनों तरह हो सकती है सिचुएशन, मीन्स ये पॉलिनोमियल या तो 7 से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। तो अगर दोनों चीजें आती है तो वहां हमारी कौन सी इनइक्वालिटी यूज होती है, स्लैक इनइक्वालिटी। नाउ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। लीनियर इनइक्वालिटी वो है जिसमें हम कोई पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे वेरिएबल जो है जैसे कि एक्स है या वाई है या दोनों है, तो ये अपनी 1 पावर्स में होंगे, या फिर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। हमने 10th में भी सीखा था
कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये कौन सी पॉलिनोमियल होती है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान ही यही है कि उनकी जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई या फिर दोनों में से कोई एक अगर वेरिएबल है तो उनकी जो पावर्स हैं वो वन होती हैं, या फिर ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वन है। तो ऐसी पॉलिनोमियल क्या कहलाती है, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दें या फिर लेस देन और इक्वल टू जीरो कर दें या फिर अकेला हमारा ग्रेटर देन और लेसर का साइन आ जाता है, तो ऐसी लीनियर पॉलिनोमियल जो इनक्वालिटी के साथ आती हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वालिटी। मीन्स यहां पे जो हमारी पॉलिनोमियल है इनकी डिग्री वन है और पॉलिनोमियल को कंपेयर किया गया है जीरो के साथ, ग्रेटर देन का साइन आएगा या फिर इक्वल का साइन और या फिर लेस देन और इक्वल टू के साइन है। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास इनक्वालिटी है इसको हम बोलते हैं लीनियर इनक्वालिटी। तो ये इसके बाद हमारे पास जो लीनियर इनक्वालिटी है इन वन वेरिएबल भी हो सकती है, इन टू वेरिएबल भी हो सकती है। इन वन वेरिएबल लीनियर इनक्वालिटी कैसी होगी, जैसे कि 4x इज ग्रेटर देन 8, 9y लेस देन 0, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल। ये सेकेंड थर्ड यू कैन राइट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 3y प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारी जो एग्जांपल्स हैं ये वन वेरिएबल के लिए हैं, जिनमें कोई भी आप इनक्वालिटी देखें इनमें हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल है। इस इक्वेशन इस इनक्वालिटी में हमारे पास सिर्फ x है, सेकेंड इनक्वालिटी में हमारे पास सिर्फ y है, तो इसी तरह इसमें अकेला x है इसमें अकेला y है। तो ऐसी इनक्वालिटी जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज किया गया है वो लीनियर इनक्वालिटी किसमें आ जाती है, इन वन वेरिएबल। और इन टू वेरिएबल्स के लिए इन टू वेरिएबल्स के लिए जो हमारी लीनियर इनक्वालिटी होगी उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि ये मैंने आपके पास सामने इनक्वालिटी लिखी है जिसमें 5x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 7 है। तो इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो हैं, x और y। तो ऐसी लीनियर इनक्वालिटी जिसमें दो वेरिएबल यूज किए गए हों वो क्या कहलाती है, लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसमें यही लीनियर इनक्वालिटी है, या तो वो वन वेरिएबल में होगी या फिर टू वेरिएबल में होगी। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो इसके लिए हम एग्जांपल्स फॉलो करें। फर्स्ट एग्जांपल इज बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। फर्स्ट एग्जांपल इज सोल 30x लेस देन 200। तो यहां पे क्योंकि 30 जो है हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को जब हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो जो बीच वाला साइन है इनक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी। तो जीरो से जीरो हम कैंसिल करें तो ये वैल्यू आएगी 6.66 एंड सो ऑन। तो x क्या है, लेस देन 6.6 बार और इट कैन बी रिटन एज 20/3 ओनली। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास इन फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू x इज ए नेचुरल नंबर, तो हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 6.6 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्चुअली हमारे पास जो नेचुरल नंबर है स्टार्ट किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफिनिटी। लेकिन हमारे पास जो नंबर है लेस देन क्या है, 6.6 बार।
तो 6.6 बाहर से छोटे हमारे पास यही सिक्स नेचुरल नंबर्स होंगे. क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट इज एक्स इज एन इंटीजर. अब इंटीजर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो हमारे पास एक्स क्या होगा, 9 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन. मीन्स यहां पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और 0 से लेके 6 तक पॉजिटिव इंटीजर्स. तो हमारे पास ये जो इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव हमारे पास 6 है, तो इस तरह से ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू इंटीजर. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एक्स इज अ रियल नंबर, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो एक्स यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इंटरवल बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 6.6 बार से छोटी वैल्यू. तो एक्स विल बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 20/3. तो यहां क्योंकि हमारी जो इनक्वालिटी है इसमें इक्वल का साइन नहीं है, जब इक्वल का साइन नहीं है तो हम जो इंटरवल है उसको ओपन रखेंगे 20/3 की साइड पर, क्योंकि हमारी एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो क्या थी, 20/3. तो 20/3 को हमने ओपन रखा है, मीन्स बाउंड्री वैल्यू के इक्वल नहीं आ सकती एक्स की वैल्यू. तो एक्स इनमें से किसी इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, 20/3 से लेसर वैल्यू है. तो जब हम रियल नंबर लाइन के ऊपर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा नंबर 0 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 6.6 बार या फिर 20/3, मान लीजिए यहीं पे कोई एक नंबर है, तो रियल नंबर लाइन के ऊपर ये वैल्यू किस तरफ जा रही है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 20/3 जो है ये वैल्यू नहीं हो सकती. अगर हमारा इंटरवल क्लोज होता, मीन्स अगर वैल्यू हमारे पास 20/3 भी पॉसिबल होती, तब हम इस पॉइंट को भी इंक्लूड करते. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास इंटरवल ओपन है तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे 20/3. तो ये हमारी जो है रियल नंबर लाइन है जिसमें एक्स की वैल्यूज है, बिकॉज इस इनक्वालिटी के अंदर एक्स यूज किया गया है, तो हम रियल नंबर लाइन को एक्स पे शो करेंगे और हमारी जो सोल्यूशन होगा 20/3 टू, इस तरफ हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो माइनस इनफाइनाइट टू 20/3. तो इस तरह से आप कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर और इंटीजर और रियल नंबर. रियल नंबर में हम ध्यान रखेंगे कि जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो एक इंटरवल की फॉर्म में आएंगी. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज सेकेंड एग्जाम्पल, बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह आप खुद ट्राई करेंगे. तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 4x+3 इज लेस देन 6x+7. तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4x को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाता है, हमें पता है प्लस है तो माइनस हो जाएगा. नाउ ये जो माइनस प्लस का 7 है राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा. -4 इज लेस देन 2x और इट कैन बी रिटन एज 2x इज ग्रेटर देन -4. तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4/2. जब हम 2 को राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये नंबर अगर हमारा पॉजिटिव है तो लीनियर जो बीच में इनक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी. लेकिन मान लीजिए यहां पे हमारे पास होते -3x इज ग्रेटर देन माइनस सॉरी प्लस 6, प्लस या माइनस कुछ भी साइन हो सकता है. लेकिन अगर -3 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो हमारी जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है. व्हाई दिस इज बिकॉज, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है -3 इज लेस देन 4, तो दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करके देखिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो 3 है वो किससे, -4 से ग्रेटर ही होगा ना, तो 3 जो है ग्रेटर देन -4 है. तो ये जो लीनियर इनक्वालिटी है हमारे पास, बीच में इनक्वालिटी का साइन है,
ये चेंज हो जाते हैं। अगर लेसन का साइन है तो ग्रेटर हो जाएगा और अगर ग्रेटर है तो लेसर हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि राइट हैंड साइड पर अगर हम पॉजिटिव नंबर लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर हम नेगेटिव नंबर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी। x इज ग्रेटर देन माइनस टू। अब x क्या है? ग्रेटर देन माइनस टू है व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस टू टू इनफाइनाइट। तो यहां भी ओपन इंटरवल ले रहे हैं बिकॉज यहाँ इनक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन नहीं है और x की वैल्यू क्या है? माइनस टू से बड़ी है। तो अगर हम रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू एंड सो ऑन, और ये हमारी एक्सेसिस है, इस तरह हमारी नेगेटिव एक्सेसिस होगी। तो रियल नंबर लाइन के ऊपर हमारा सोल्यूशन क्या होगा? माइनस टू से हमने वैल्यू को बढ़ते हुए लेना है और ये हमने पॉइंट जो है उसको ओपन रखेंगे बिकॉज x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस टू। तो ये हमारा रियल नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन है और इंटरवल के अंदर हमारा सॉल्यूशन ये होगा माइनस टू टू इनफाइनाइट। नाउ फोर्थ एग्जांपल इज फाइव माइनस टू एक्स बाय थ्री। फाइव माइनस टू एक्स बाय थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स बाय सिक्स माइनस फाइव। तो ऐसी एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास इनक्वालिटी इस तरह से दी गई हो कि एक तरफ हमारे पास नंबर इस तरह से है कि x के फॉर्म में 6 है लेकिन यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो यहाँ हम सिंपल है कि जैसे हम छोटी क्लासेस में एलसीएम लेते हैं वही प्रोसीड करेंगे x माइनस थर्टी बाय सिक्स। नाउ वैल्यूज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं करेंगे, और ये भी कट कर सकते हैं हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। तो सिर्फ हमें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेम वही रूल है जो हमने पहले क्लासेस में पढ़े हैं। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस के 4x है तो x वाली टर्म्स को हमने एक तरफ लेके आना है, साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ नंबर्स या वेरिएबल्स वाली टर्म्स के साइन चेंज करनी है। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है? जब हम किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। अब वैल्यू क्या आएगी? माइनस फाइव एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 40। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस फाइव है, जब हम माइनस फाइव को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी। देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास लेस देन का साइन था, अब क्या आ गया? ग्रेटर देन का साइन। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि जो माइनस 40 है इसको इस तरफ ले आए, ये फिर हमारी जो लीनियर क्वालिटी है ये साइन चेंज नहीं करेगी अपना, और ये 5x इधर आकर ऑटोमेटिकली हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो 5x है वही ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होगा। तो उसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास x के सॉल्यूशंस क्या आएंगे? 8 टू इनफाइनाइट। लेकिन अब हमारा जो ब्रैकेट होगा 8 की तरफ वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल में आएगा बिकॉज x कैन टेक द वैल्यू ऑफ 8। x की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल भी हो सकती है, और रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे हमारा अगर 0 है 4 है 8 है तो 8 से लेके नंबर हमारा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है x की वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यू 8 के इक्वल भी है तो हमने इस पॉइंट को भी लेना है। इसी तरह जो फिफ्थ एग्जांपल है सिक्स एग्जांपल है आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ यू हैव द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वही है कि x के जो सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर और इंटीजर्स निकालने हैं, या फिर अगर x रियल है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बाद 5 टू 16 क्वेश्चंस।
ये बिल्कुल इन्हीं की तरह आपको ट्राई करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है 16 वो हम ट्राई करें, एक्सरसाइज 6.1, 16 क्वेश्चन। 2x-1 डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x-2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2-x डिवाइड बाय 5। तो यहां आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पर यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर जो है 4 और 5 अलग अलग है, तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो एलसीएम 4 और 5 का क्या आएगा, 20, क्योंकि अब यहाँ पे 20 हमने बनाने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x-2 को, बीच में माइनस साइन है, और 2-x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8-4x आ जाएंगे हमारे पास। नाउ अब ये 20 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2x-1 इंटू 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आएंगे 3 इंटू 15x-10-8+4x। तो 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 40x-20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू, अब 15x+4x 19x माइनस में 18। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएंगे 57x-54। अब x वाले टर्म्स को हम एक ही तरफ रखेंगे, अब 40x 57x से छोटा है तो हम 40x को राइट हैंड साइड पर ले लेते हैं और 54 को हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। 54-20 तो हमारे पास आएंगे 34 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहां पे 57-40 है तो यहां पे हमारे पास आएंगे 17x। तो 17 को हम राइट लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 2 to infinite। यहां पे भी हमारे पास क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो अगर रियल नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है जिसमें नंबर हमने पॉजिटिवली लिए 0, 1, 2 and so on, तो 2 से लेके इनफाइनाइट, तो ये हमारी सॉल्यूशन के लिए रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। 2 को हमने इंक्लूड करना है तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा डार्क किया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है रियल नंबर लाइन के ऊपर और इन इंटरवल इट विल बी 2 to infinite, 2 को हमने क्लोज इंटरवल में रखा है लेकिन इनफाइनाइट को हमने ओपन रखना है हमेशा। 21st क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। एक स्टूडेंट है रवि जिसने 2 यूनिट टेस्ट के अंदर मार्क्स लिए 70 and 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मीन्स जो तीनों टेस्ट है उनकी एवरेज हमें दी गई है 60 मार्क्स, जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो हम जो थर्ड टेस्ट है उसके मार्क्स हम मान लेते हैं, लेट द थर्ड यूनिट टेस्ट मार्क्स बी एक्स। तो उसने जो मार्क्स गेन किए थर्ड यूनिट टेस्ट में वो हमने एक्स मान लिए, तो तीनों टेस्ट की जो एवरेज है, तो मीन का हमें फॉर्मूला पता है एवरेज का, कि ऊपर हमारे पास होते हैं जितनी भी टर्म्स हैं या डाटा है उनका सम लेते हैं, डिवाइड में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है, एंड यहाँ पे हमारे पास ये शुड एटलीस्ट 60। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 60 है, 60 से ऊपर हो सकते हैं, तो ये जो एवरेज वैल्यू है 60 से अबव है, 60 के इक्वल भी हो सकती है। नाउ जो 3 है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 into 3, यहां पे हमारे पास आएगा 145+x, तो 145 को हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो यहां पे आएगा 180 माइनस
145. तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35. यानी कि जो उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स हैं, या तो 35 होंगे या 35 से अबव होंगे. तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x belongs to 45 to infinite, और 45 को हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में, और इनफाइनाइट वाली साइड पर ओपन ब्रैकेट. तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए. तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल इसी तरह आपको ट्राई करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.